तो वही कर रहे हैं मैडम सर जो आपने हमें करने को कहा है. आपका स्क्रीन प्ले, आपका डायलॉग, आपका डायरेक्शन, आपका सब कुछ, हम तो एक्ट कर रहे हैं. आप जा सकती हैं. हाँ मैडम, तुम तो मर चुके हो, हमें क्यों दिख रहे हो? नहीं मैडम, हम मरे नहीं मैडम. ये देखिए आवाज आई आपको, ये देखिए मैडम आवाज आई. मैडम हम मर गए होते तो आवाज आती क्या? पुष्पा जी. हाँ मैडम, हाँ मैडम सर, उनको बुलाइए, उनको बताइए कि हम जिंदा मरे नहीं है, आप हमें देख सकती हैं. पुष्पा जी. हाँ आ गए हम मैडम सर, आ गए. आपने आवाज दी और हम आ गए भाग भाग के. बताइए क्या हुआ? आप रहने दीजिए, आप संतोष को भेजिए. नहीं आप हमें एक मौका तो दीजिए ना. अरे ओवर एक्टिंग की दुकान. हम नहीं दिखाई दे रहे आपको. पुष्पा जी आप संतोष को भेजिए. संतोष. पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी कहाँ हो संतोष? पुष्पा जी. मैडम ये क्या हो रहा है? जी मैडम सर. संतोष शर्मा आपको यहाँ इस रूम में टोटल कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? अरे इसके पेट पे भी कोई बात नहीं रहती. एक आ रही है क्या? हमने दिखाई दे रहा है आपको? दो लोग हैं रूम में. ध्यान से देखिए, हमारे अलावा और कोई दिखाई दे रहा है? एक इधर, यहाँ हम हैं संतोष जी, हम आपको नहीं दिख रहे संतोष जी. संतोष शर्मा आर यू श्योर? ये यहाँ इस जगह पर हमारे पास बिल्कुल कोई खड़ा हुआ दिख रहा है आपको? नहीं मैडम सर, नो. अरे नहीं क्या, हम 5 फीट 7-8 इंच के आदमी आपको नहीं दिखाई दे रहे मैडम सर? कुछ सुनाई दिया? हाँ सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है. बाहर ट्रैफिक है बहुत. ये क्या, किसी की आवाज सुनाई दे? हमारी हम नहीं. आप ठीक तो है? आई ओके? हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं. आप जा सकती हैं. ओके मैडम सर. संतोष जी सर, अरे ये क्या हो रहा है मैडम सर? हम जिंदा मैडम सर, लेकिन ऐसे सब रिएक्ट क्यों कर रहे हैं कि हम मर गए? एक मिनट, हमें शायद समझ में आ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है. एक काम करो, आईने के पास जाओ और खुद को देखो. हाँ मैडम सर, ये क्या हो रहा है? हम मिरर में खुद को क्यों नहीं देख पा रहे? इसका मतलब सच में मर गए? मैडम सर नहीं, हम मर नहीं सकते. तुम मर चुके हो इकबाल. तुम जो छत से कूदे थे उसमें तुम्हारी मौत हो चुकी है. और ये जो है वो तुम्हारी रूह है, तुम्हारी आत्मा है. तुम अभी दुनिया में नहीं हो इकबाल. नहीं नहीं मैडम सर, हम मर नहीं सकते. हम कहा बोले समझ आया कि नहीं? हाँ एक्टिंग करना, एक्टिंग रियल लगना चाहिए. बैठा अब आता ही होगा वो. हम जिंदा हैं, मर नहीं सकते. हम मर नहीं सकते, हम मर नहीं सकते. हम जिंदा हैं. ओए आइए आइए, बदनाम की चाय पीजिए. चाय का एक घुट लगाइए और मुस्कुराइए. वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात. बदनाम भाई, बदनाम भाई, बदनाम भाई देखिए. बदनाम भाई हम इकबाल, हम आ गए. बदनाम भाई अरे हम जिंदा हैं. ये लीजिए अदरक वाली चाय, ये आप लीजिए इलायची वाली चाय.
और चपड़गंज तेरग में छा दे रहा ये बदनाम स्पेशल ठीक है दीगा कैसी है जाके पैसे देना चपड़गंज हो समझे बदनाम भाई बदनाम अरे सोचने दो पहले कितने लिखने हैं उस्मान भाई 20 लिखो उस्मान भाई हम इकबाल देखिए ना हमें इधर आओ उस्मान भाई 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 हम इकबाल अरे भाई ये देख आग के अंदर देख बता इनको एक काम करो इसके ना 135 लिखो क्या कि कोरोना चल रहा है यार वसूली कहाँ से करेंगे धंधा सब ठंडा पड़ा है उस्मान अरे अरे ये क्या अरे बदनाम गुड्डू पप्पू नन्ना कहाँ मर गए सब मर गए सब जा रहे यार इधर आओ का चिल्ला कर रहे हैं चिल्ला कर रहे हैं ये तुमको नहीं दिख रहा ये बिरयानी का पैकेट हमारे हाथ में था अब देखो ये कैसे हवा में तैर रहा है अरे क्या हवा में ये हमारे हाथ में इकबाल दिख नहीं रहे आप लोगों को ए, देखो ना भाई यार देखो हमको लगता ना यहाँ कुछ हवा का चक्कर है अरे हवा का हमको लगता है यहाँ भूत है भूत भूत है यहाँ पे भूत है भैया भूत है भूत भूत अरे अरे हम इकबाल इकबाल अरे यार भूत के चक्कर में तो सब ग्राहक भाग गए अरे उस्मान भाई ताबीज दिखा ताबीज अरे ताबीज क्या दिखा यहाँ धंधे की ऐसी तैसी हो गई भूत को हम छोड़ेंगे नहीं हम इकबाल इकबाल भूत छू भूत है कुत्ता नहीं है अरे क्या कुत्ता इकबाल देखिए ना हमें समझ गया ए भूत एक बिरयानी दे दे हमारी अब हम फ्री में तो हम अपने अब्बा को ना खिलाएं तुझे क्या खिलाएंगे हम कहते हैं हमारी बिरयानी दे दे ये ताबीज में बहुत ताकत है भस्म हो जाएगा तू भूत काली कपड़े वाली छू भूत की ऐसे की तैसे छोड़ दी भाग्या साला मारे डर के बड़े भूत तुम हो अरे भाई साहब यह कोई अच्छा वाला सैलून है क्या बाल कटाना है था उधर अरे हम बताते हैं अच्छा सैलून लखनऊ का चलो चलो तुम्हारी सब दाढ़ी मूंछ कटवा देते हैं यार ये देखो हमारे लखनऊ की सबसे बड़ी दुकान सैलून की और ये है हमारी खाला जान हेयर स्टाइलिस्ट बड़ी अच्छी है वाह नूरजहां आंटी क्या बाल काटी है एकदम तेरे नाम के रवि किशन लग रहे हैं बहुत मस्त सही बोले थे भाई कौन बोला था पहले हमको बताओ ना हाँ भाई मेरा भी कुछ यही हाल है क्या हुआ आंटी आप रो क्यों रही हैं इकबाल की याद आ गई चांद देने से पहले अपनी अम्मी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा उसने कि उसके बिना उसकी अम्मी का क्या हाल होगा कैसे जिंदा रहेगी उसकी अम्मी उसके बिना आज मेरा इकबाल जिंदा होता तो क्या अपनी अम्मी को इस हाल में देख पाता कभी नहीं एक मिनट उड़ो ना मत बैठे रहो ये लो खाओ हमारे हाथ की बनी स्वादिष्ट बिरयानी खाओ कहा कि इकबाल को बिरयानी बहुत पसंद थी ना हमारे हाथ की बिरयानी बड़े चाव से खाता था अब इकबाल तो है नहीं तो इसी खिला देते कुछ हमारा भी मन हल्का होगा चलो चाय भी पियो भरपेट खाओ कहे कि उस्मान का दिल जो है ना दरिया है अब बिरयानी हमारी सबसे बढ़िया है और खाओ कोई पैसा नहीं लेंगे आज इकबाल से कमीनो जब तक जिंदा था तब तक तो कभी फ्री की चाय बिरयानी खिलाई नहीं आज मरने के बाद हमारे नाम पे कौवे खिला रहे जी नहीं उड़ना मत खाए रहो हाँ, पियो चाय पेट खाओ कोई पैसा नहीं देना है नहीं मतलब आपने हमारा पंखा हमारे टेबल से उठाया कैसे जिस तरीके से आपने हमारा पंखा हमारे टेबल से उठाया ना और बिल्लू के लॉकअप में रख दिया उसी तरीके से कब से मांग रहे हम आपसे बहाने बनाए जा रहे कि ताले का चाबी नहीं मिल रहा है हाँ? हम क्या इंसान नहीं है बंदर है हमको गर्मी नहीं लगती हमको पसीना नहीं आता खबरदार अगर आपने ये ओवर एक्टिंग हमारे सामने किया तो अरे नॉर्मल इंसान जैसे बात कीजिए ना हमसे
मुश्किल है। नहीं, मेरा मतलब है कि नॉर्मल इंसान को पसीना न आना, गर्मी न लगना, बात न समझना। हाँ? नहीं, आपको समझती है, बाकी ये दो चीजें तो मुश्किल है ना, ये कहने जा रहा हूँ मैं। हाँ बिल्लू, तुम दोनों अपना मुंह बंद ही रखो, वरना ये ताला तोड़वा के तुमको रस्ते पे बाहर फिकवा देंगे, फिर रोते रहोगे हमारा बिल्लू निवास, हमारा बिल्लू निवास। उसको काहे डांट रही हैं? क्या करता है वो दिन भर चुपचाप अपने लॉकअप में बैठा रहता है, किसी को तंग भी नहीं करता है। ये हाँ वही तो, मैं भोला सा मासूम निर्दोष लड़का अपने बिल्लू निवास में चुपचाप पड़ा रहता है, किसी को कुछ नहीं करता। भोला सा मासूम ऊपर से लड़का, खुद को कभी आईने में झांक के देखा है तुमने? डायनासोर से भी पुराने लगते हो तुम। हाँ मैडम। और आप कब से इसकी तरफदारी करने लगी? जब से आप अपने शाइनी बाल काले करने लगी। हम नहीं करते हमारे बाल काले, वो तो कुदरत की देन है, इसीलिए तो हम अभी भी हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता ही नहीं चलता। हाँ, आप काले नहीं करती इसीलिए यहाँ कान के नीचे सफेद है बाल। कहाँ? वो देखो कान के पीछे। यहाँ? हाँ। रह गए? रह गए? काले करती? ऐसे कैसे हो गए? सुनिए सुनिए पुष्पा जी, रात को जब घर जाएंगी ना तब काले कर लेना, फिलहाल हमें ये बताइए कि हमारा टेबल से हमारा पंखा हिला कैसे। तो साफ साफ सुनिए। हाँ। हमको गर्मी लग रही थी इसलिए हमने तुम्हारा पंखा। वही पंखा उठा के हमारे टेबल पे रख दिया। अब अगर खुद का पंखा वापस चाहिए ना तो हमें हमारा पंखा लौटा दो, अपना लेके जाओ। मतलब हमें समझ में नहीं आता है कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है हमसे डायरेक्ट पंखा लेने का। देखो बस कीजिए आप लोग, ये पूरा दिन लड़ाई करने की ताकत कहाँ से आती है आप लोगों में? खाते क्या है आप लोग? हम तो सिर्फ खाना खाते हैं सीधा साधा, मगर ये दिन भर हमारा खून पीती रहती है। पुष्पा जी, करिश्मा सिंह, गलती आपकी है। आपने इनका पंखा उठाकर जेल में रखा था, इसलिए अब या तो चाबी खोजिए या ताला तोड़िए। आपको जो सही लगता है वो करिए, लेकिन इनको इनका पंखा लाकर वापस दीजिए। एंड दैट्स एन ऑर्डर। जी मैडम। बिल्लू, पुष्पा जी, ये फाइल जरा रिकॉर्ड रूम में रख दीजिए प्लीज। जी मैडम सर। पंखा जरा जल्दी भिजवा दीजिएगा, हमको गर्मी बहुत लग रही है। जी इकबाल, तुम रो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, यही तो चाहते थे ना तुम, इसीलिए तो दी थी अपनी जान। और क्या करते, लॉकडाउन में धंधा बंद हो गया था, दोस्त के पैसे डूब गए, जिससे मोहब्बत करते थे उससे रिश्ता तोड़ना पड़ा, जीने के लिए हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था, तुम जी कर क्या करते, सब कुछ खत्म हो गया था हमारा। चलो तुम्हें दिखाते हैं कि क्या क्या खत्म हो गया है और क्या है जो कभी खत्म नहीं होता। चलो। आओ। ये देखो एक बार, हमारे मार्केट वाले, बदनाम चाय वाला, तौफीक ड्रेस वाला, बमूल पान वाला, मिठाई वाला और ये बिरयानी वाला उस्मान, लॉकडाउन में सबका धंधा खराब हुआ, सबका बहुत नुकसान हुआ, कर्जे चढ़े, बहुतों का बहुत कुछ खो गया और कुछ का तो सब कुछ खो गया, पर फिर भी किसी ने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत की और सब कुछ फिर से खड़ा किया। कड़वा है लेकिन सच है, जिंदगी का दस्तूर है इकबाल, जिंदगी कभी थमती नहीं, सांसें रुक जाती हैं लेकिन जिंदगी चलती रहती है। चल बदनाम चाय देना। थैंक यू हसीना जी,
आपने एडवांस में मेरे लिए चाय बुक कर दी। हाथे हुए देख लिया था ना मुझे, थैंक यू। अरे मुझे तो संतोष जी के पास जाना था, वो इकबाल की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी लानी थी, है ना मैडम? मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ हाँ, थैंक यू वंस अगेन। नूरजहाँ जी, यहाँ ये प्लीज। जी। कैसी हैं आप? बस जिंदा है। एक बात बताइए, आप इस उम्र में भी इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? और क्या करें मैडम जी, इकबाल जिंदा था तो मेरा ख्याल रखता था, अब वो नहीं है तो पेट भरने के लिए मेहनत तो करनी ही होगी ना। इकबाल की दुकान है, अपने जीते जी उसे बंद नहीं होने दूंगी मैं। मेहनत करूंगी, उसका कर्ज भी उतारूंगी। बेटा खोया है, हौसला नहीं। जब तक जिंदा हूं तब तक लड़ूंगी। खाला जान आइए चाय पीजिए। हाँ हाँ आराम से। इसे कहते हैं रियल वॉरियर, असली योद्धा। इतना कुछ हो गया फिर भी हिम्मत नहीं हारी। इनकी जिंदा दिली का अगर एक जर्रा भी तुम्हारे अंदर होता ना इकबाल, तो हालात आज कुछ और होते। जानते हो हमने इनकी मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहा कि जिंदगी के हालात से मैं अपने दम पर लड़ूंगी। अरे रंजीत जी, तुम यहाँ कैसे? वो इकबाल की अम्मी को नगर पालिका लेके जाना था। अच्छा अच्छा, वो डेथ सर्टिफिकेट के लिए। जी मैम वही। रंजीत तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो, वैसे अगर इकबाल तुम्हारे सामने होता, जिंदा होता, तो क्या कहते तुम उसे? बोलता क्या मैम, सामने होता तो दो झापड़ लगाता खींच के। पूछता उससे क्या यही थी अपनी दोस्ती? अरे एक बार मुझे बता देता ना तो मैं अपना पूरा प्रॉपर्टी बेच के उसका साथ देता। दोस्ती से बढ़कर भी कुछ होता है क्या मैम? आंटी आप यहाँ पे, आपके लिए टिफिन लाई थी। अरे फातिमा तुम, मैंने कहा ना तुमसे इतना मत किया करो मेरे लिए, तुम्हारी सगाई हो चुकी है अब तुम किसी और की अमानत हो। सगाई हुई आंटी जी, शादी नहीं। जिस दिन शादी हो जाएगी तो आना भी बंद कर दूंगी, तब तक के लिए इतना तो करने दीजिए अपने लिए। इकबाल ने अपने प्यार पर भरोसा किया होता और मुझसे अपनी परेशानी बांटी होती तो इतने झगड़े नहीं होते। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते थे। काश कि इकबाल ने खुद पर इतना भरोसा किया होता। बस मैडम सर, अब और नहीं देखा जाता हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। अपनी बेवकूफी की वजह से हमने सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ तो था हमारे पास। हार गए और सब कुछ खो दिया। काश एक मौका मिल जाता हमें सब तम सब सही कर सबसे। दिया मौका, सब खड़े तुम्हारे सामने, करो जो ठीक करना है। Thank you.
तुम जिंदा हो, बिल्कुल ठीक हो, वैसे ही हट्टे कट्टे। ये सब एक नाटक था, तुम्हें जिंदगी और अपने रिश्तों की अहमियत सिखाने के लिए एक छोटा सा नाटक। वैसे मानना पड़ेगा, आई एम रियली ग्लैड अब सबने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, वैसे कुछ लोगों ने थोड़ी ओवर एक्टिंग जरूर की है, कुछ गड़बड़ियां भी की है, लेकिन फिर भी अच्छा था। थैंक यू सो मच। नाटक खत्म, जाओ मिलो अपनी अम्मी से। अम्मी, इकबाल अगली बार अगर तूने मरने की कोशिश की ना तो मैं तुझे खोद तेरे से धक्का दे दूंगा। हाँ, फिर बचेगा नहीं। अब हमारे बिरयानी के पैसे देना, तेरे चक्कर में मैंने कबूतर खिलाई थी। हाँ? चाय भी पिलाई कबूतर को हमने। मैडम सर, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.